वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकिता ब्यूटी ब्लॉग्स एंड हियर आई एम निकिता गाइस। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिस इज द गुड वाइब्स विटामिन ई नरिशिंग फेस क्रीम गाइस। क्रीम के बारे में आज पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि ये वाली क्रीम आप लोगों को परचेज करनी चाहिए नहीं चाहिए, इट्स वर्थ इट और नॉट, सो एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन द वीडियो। विटामिन सो गाइज दिस इज द गुड वाइब्स विटामिन ई नरिशिंग फेस क्रीम एंड ये कुछ आपको इस तरह के जार में रिसीव होती है। एंड ये जो विटामिन ई की क्रीम है गुड वाइब्स की, ये थोड़ा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हो गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबेन फ्री होते हैं, नो मिनरल ऑयल होते हैं, केमिकली फ्री होते हैं एंड 100% वेगन होते हैं और इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। सो ये सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि आपकी विंटर में बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है एंड समर में बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन हो जाती है जस्ट लाइक मी गाइज, यस मेरी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मे बी ये समर में आपको उतनी अच्छा इफेक्ट ना दे क्योंकि ये इज बेस्ट फॉर द विंटर सीजन फॉर ऑयली स्किन। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली आप इसे समर में भी कंटिन्यू रख सकते हैं एंड अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो भी आप इसको समर में कंटिन्यू रख सकते हैं गाइस। सो उसके बारे में अभी मैं और भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये वाली जो क्रीम है ये आपको कितना इफेक्ट दे रही है, यानी कि कितना आपके स्किन पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो सब मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगी। इफ आई टॉक अबाउट द पैकेजिंग, तो पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लग्जरियस तो नहीं कहूंगी, ओके ओके पैकेजिंग है। ये इस तरह का गोल्डन कलर का कैप होता है, देन इसके बाद में जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपको ये इस तरह का सेफ्टी कैप मिलता है जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं होता है एज वेल एज वो जो प्रोडक्ट है आपका इसमें अच्छे से स्टोर रहता है। एंड ये है व्हाइट कलर के क्रीम है, थोड़ी सी क्रीमी है, बहुत ज्यादा क्रीमी कहूंगी मैं क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए सुटेबल है एंड अगर आप इसका ऑयली स्किन वाले यूज कर रहे हैं तो समान में बिल्कुल भी इसको यूज ना करें गाइस। ऑयली स्किन वालों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल रिड्यूस होता है, तो मे बी ये वाली जो क्रीम है बहुत ज्यादा ऑयल रिड्यूस कर देगी इन द समर सीजन गाइस। मैं गर्मियों की बात कर रही हूँ, गर्मियों में ये वाली जो क्रीम है ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए। बट अगर आपकी विंटर में कॉम्बिनेशन स्किन है जस्ट लाइक मी, मेरी समर में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है एंड विंटर में बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम पे ये वाली क्रीम बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। एंड आप देख भी सकते हो ये मेरी ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गई है एंड इसको मैं यूज कर रही हूँ वन हाफ मंथ हो गया मेरे को इसको यूज करते, उसके बाद मैं आपसे इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो गाइस वैसे बता दूं इसका जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है एंड जो इसका प्राइस है गाइस वो यहाँ आप देख सकते हो, इसका जो प्राइस है 250 रुपीज है, बट ये डिस्काउंट में भी आपको इजिली मिल जाएगी। पर्पल पे ही गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मिलते थे बट अब आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी देखने को इजिली मिल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड अब तो इसके एड्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने एड देखा है इसका तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना गाइस। एंड का जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर, पर्टिकुलर पर्सन इसको यूज कर रहा है तो ये आपकी 2 साल तो क्या ये 2-3 महीने में ही फिनिश हो जाएगी गाइस। तो इसके बाद में अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। सो गाइस जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन ई, जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। एंड विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है एंड न्यूली सेल्स जो होते हैं स्किन की उनको ग्रो अप करने में हेल्प करता है एंड ड्राई एंड डैमेज स्किन सेल्स को भी मतलब छुटकारा मिल जाता है आपको अगर विटामिन ई यूज करते हैं। एंड विटामिन ई जो होता है वो हमें यंग एंड रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है, मतलब रिफ्रेशमेंट दे देता है हमारे फेस। एंड साथ ही साथ है इसमें ग्लिसरीन एंड ग्लिसरीन जो होता है वो हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है एंड गिव द मॉइस्चराइजेशन। साथ ही है इसमें ऑलिव ऑयल एंड इट्स रिपेयर द डैमेज स्किन की, जो आपकी स्किन में डैमेज टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करता है एंड ऑल्सो सन से होने वाले डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही है इसमें गाइस
कुकुम्बर, ग्रेप्स, ग्रीन एप्पल के एक्सट्रैक्ट और ये जो जितने भी फ्रूट हैं आपको रिफ्रेशमेंट देते हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को एक हेल्दी लुक प्रोवाइड करते हैं। और गाइस इसमें है शुगर कैन के एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड द लोटस एक्सट्रैक्ट। और आप सभी जानते हैं जो रोज एंड लोटस होता है वो हमारी स्किन को एक ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, हमारी स्किन में बहुत अच्छा निखार लाते हैं। सो जो भी इंग्रेडिएंट इस वाली क्रीम में है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो क्रीम है आपको एकदम मल्टी वाला विटामिन कहेंगे ना वैसी वाली क्रीम है। सारे ही इंग्रेडिएंट्स में इंक्लूड हैं जो आपकी स्किन को एक अच्छा हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेंगे। सो मेरे हिसाब से ये क्रीम अच्छी है, बट इसका मुझे एक माइनस पॉइंट लगेगा इसकी। आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, तो मैंने जब इसको विंटर में यूज करा तो 2-3 महीने काफी अच्छे से इसने वर्क करा। देन 15 दिन से पहले से ये मुझे ना बहुत ज्यादा मेरी स्किन को नरिश नहीं कर रही है, मतलब बिल्कुल नरिश नहीं कर रही है। लगाने के बाद में मुझे स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस लगती है, तो मे बी हो सकता है थोड़ा क्लाइमेट और चेंज हो रहा है, थोड़ा ठंडी वाला जो मौसम है वो ज्यादा जोरों पर है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कारण कि ये जो क्रीम है इसलिए वर्क नहीं कर रही होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हो, और अगर आपकी कॉम्बिनेशन वाली स्किन है जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया आपको ऑयली स्किन के लिए, अगर आप इसको विंटर में यूज कर रहे हो तो दिस इज विल वर्क, बट अगर आप इसे समर में यूज कर रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदना। दिस इज माय एडवाइस टू यू गाइस। अब मैं बात कर लेती हूँ इसके बेनिफिट्स की। सो गाइज ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, एज वेल एज आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। बट मेरे को जहां तक मेरे एक्सपीरियंस लगा है, ये जो इन्होंने क्लेम कर रखा है मैं वो बता रही हूँ आपको, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली क्रीम विंटर में मेरी ऑयली स्किन है, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है विद इन 15 डेज से, वरना उससे पहले इसने बहुत अच्छा वर्क करा था, मुझे अपनी स्किन पे बहुत अच्छा सा एक हेल्दी ग्लो भी दिख रहा था, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, मे भी कह सकते हैं कि विंटर और ज्यादा चेंज हो रहा है तो इसलिए मेरी स्किन ड्राई भी लगने लगी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो एक बार, एंड मेरी तरफ से उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन नहीं है गाइज, तो आप इनको इसको परचेस कर सकते हैं एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन परचेज इट। इसको पर्पल से खरीद रहे हैं तो मेरे लिंक से पर्पल डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको 100 रुपीज के ऑफ भी मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ गाइज मुझे जरूर बताना कमेंट करके ये आप अगर क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, एंड अगर अभी तक आपने यूज नहीं करी है तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपकी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग स्किन टाइप जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो बताया है मैंने उसके हिसाब से इसको यूज कर लीजिए। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा बहुत ज्यादा। और अगर इस क्रीम के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे जो भी अपडेट्स आती रहती है, जो सेल लगती है, जो भी ऑफर्स होते हैं मैं वहां पे सबसे पहले पोस्ट कर देती हूँ आप लोगों को। आप मेरे इंस्टा के पेज को जरूर फॉलो कर लेना। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।